तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मसालेदार चिकन कीमा की रेसिपी। ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है क्योंकि हम इसे कुकर में पकाने वाले हैं। इसे आप रोटी, पूरी और पराठे के साथ परोसकर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गर्म कुकर के अंदर एक बड़ा चम्मच तेल और एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहे तो सिर्फ तेल या फिर घी में भी पका सकते हैं। तो अब हम कुछ खड़े मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तेज पत्ता डाल दिया, एक बड़ी इलायची डाल देंगे, 10-12 साबित काली मिरे, 2 हरी इलायची, 5 लौंग लिए हैं, 1 छोटा पीस दालचीनी का, 1 छोटा चम्मच साबित जीरा डाल देंगे और यहाँ पे मैंने 3 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज ली है, तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो प्याज डालने के बाद इसे हमें चम्मच लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने अनियन को 5-6 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लिया है। तो बस हल्का सा इस तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े पीस में कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे, चार बड़े टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी मैंने बारीक काट लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कटे हुए टमाटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे टमाटर नरम होने तक मैंने पका लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम चिकन मसाला पाउडर डालेंगे, आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो बस इसे हमें लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक भून लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से मसाले का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो मसाला भून के तो बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 किलो चिकन कीमा। तो छन्नी के अंदर का सारा धुला हुआ चिकन कीमा मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है, तो इसे भी हम सारे मसालों के साथ एक साथ मिला देंगे। तो इस चिकन कीमा की रेसिपी में आप आपके हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे जो चिकन का पानी है ना वो दिखने लगता है कुछ इस तरह से, तो ये पानी सूखने तक आपको हाई फ्लेम पे भून लेना है। तो थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप आपके स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच हम कसूरी मेथी भी डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस 1/2 कप के करीब मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। पानी आपको ये समय पे इसलिए डालना है क्योंकि हम इसे सीटी लगाने वाले हैं, तो ये ना जले, कुकर को नीचे ना चिपके, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। तो इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे 3-4 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो कीमा कुकर के अंदर ना जले इसलिए आपको गैस की फ्लेम लो से मीडियम ही रखना है, तेज आंच पे इसे नहीं पकाना है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि कीमा पक के तैयार है। कुकर के अंदर का सारा प्रेशर निकलने के बाद इसे मैं खोल के देख रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो कुकर को हम गैस से नीचे उतार लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने तेल और घी डाला था ऊपर दिखने लगा है, तो इसे हम एक सर्विंग प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। राउंड शेप में कटी हुई अनियन के स्लाइस के साथ हम इसे गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी कटी हुई हम हरी मिर्च भी इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर लेमन स्लाइस इस तरह से रखते हुए भी इसे सजा सकते हैं। थोड़ी सी मैं ये देखिए बीचों बीच हरे धनिया के पत्ते इस तरह से रखते हुए इसे और थोड़ा सा मैंने गार्निश कर लिया है। तो लीजिए यहाँ पे अपने गर्मा गर्म मसालेदार चिकन कीमा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और भी आने वाली मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।